गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जरा बुक में क्या दिया हुआ है। डायगोनल एसी ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक्ट एंगल ए, कह रहा है एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, उसका जो एक डायगोनल है एसी, ये एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो प्रूफ करना है ये इट्स बाइसेक्ट एंगल सी आल्सो एंड सेकंड एबीसीडी इज अ रोम्बस। कह रहा है एबीसीडी जो है हमारा एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी इज अ पैरेललोग्राम, तो लिख दिया कि गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है। पर आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। हम ये चीज देख रहे हैं, आपको अंडरस्टैंड है, समझ में है आपको। और क्या दिया हुआ है, एंगल 1 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब हमने इसका रेडिंग कर दिया, इसको एंगल 1 कर दिया, इसको एंगल 2 कर दिया, ठीक है, और इसको एंगल 3 कर दिया, इसको एंगल 4 कर दिया, हमने रेडिंग कर दिया, मतलब ताकि इजी रहे ना प्रूफ करने में, ठीक है। उसका मतलब ये हुआ कि एसी जो है इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है इक्वल, क्लियर। अब हमें प्रूफ करना है, तो पहला प्रूफ करना है एसी बाइसेक्ट एंगल सी, ये जो डायगोनल है जो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है ये आगे जाएगा तो सी को भी क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा, मतलब कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये प्रूफ करना है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 अगर हम प्रूफ करते हैं तो जो एसी है वो एंगल सी को भी क्या करता है बाइसेक्ट करता है। और सेकंड जो पार्ट है हम प्रूफ करने के लिए कि एबीसीडी का रोम्बस, एबीसीडी क्या है रोम्बस, कैसे प्रूफ और इसी के साथ में ये, तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब कि ऑल साइड्स का इक्वल हो जाएगा। हमें प्रूफ क्या करना है, ये जो साइड है इसके इक्वल हो। चला देखते हैं प्रूफ कैसे स्टार्ट किया, हमने ऑलरेडी दे चुका है टाइम सेट करने के लिए। ए बी देख जरा, ए बी जो है ये बी सी के पैरेलल है, वो बस अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम का, और ए सी इसका ट्रांसवर्सल है, ए सी इसका क्या है ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो एंगल जो 1 होगा और एंगल 4 होता है, ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होगा, एंगल 1 एंगल 4 क्या होगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होगा, और साथ में क्या होगा इक्वल भी होगा क्योंकि दोनों पैरेलल है। आप लाइन इक्वेशन पढ़ा था कि जब दो लाइन पैरेलल है और उसमें ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उसमें अल्टरनेटिव एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, एक एक्सटीरियर होता है इंटीरियर, ये तो इंटीरियर है, ठीक है। And AC is a transversal. AC is transversal. यहाँ जो parallel lines हैं वो थोड़ा सा change हो गया। पहले वाले में AD parallel AC था, तो 1-4 होगा। यहाँ भी क्या होगा हमारा parallel? ये BC और AD, ये दोनों parallel होंगे। ये नहीं लेना यहाँ पे। ठीक है? तो angle 2 इस पर angle 3 क्यों alternative interior angle हो जाएगा? अब देखिए जरा 1-1-2 से angle 1, ये 1-1-2 से 1 is equal to 4 और 2 is equal to 3. और आपको पता है 1 और 2 क्या है इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, गिवन है 1 और 2 क्या है हमारा, यहाँ की बहुत चीज लिख सकते हो आप, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल 3 हो जाएगा, इसको आप 3 कर सकते हैं, इसको 2 कर सकते हैं, समझ में आएगा क्यों। यहाँ भी एक चीज लिख सकते हैं, यहाँ पे सीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा, एंगल 2 की जगह पे हमने मान लिख दिया Q,
क्यों? क्योंकि वन और टू दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये हमारा क्वेश्चन टू क्या फ्रॉम मोर देन टू से थ्री और फोर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये साइड है इसी है, ये किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल सी को। एंगल थ्री इज इक्वल टू फोर का मतलब ये हुआ कि AC जो हो रहा है वो बाइसेक्ट किसको कर रहा है, एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, क्लियर है। अब आते हैं इसके बाद, ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रपोर्ट। सेकंड में आते हैं कि ये रोम्बस भी होगा। तो देखिए रेक्टेंगल BAC में अच्छे देखे सर, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्लियर है। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, यानी ये भी इसके इक्वल होगा। देखिए ट्रायंगल BAC में ये जो एंगल वन होगा और ये थ्री होगा ये इक्वल होगा, मतलब वन टू थ्री फोर ये चारों आपस में इक्वल होंगे। कुल मिला के वन टू थ्री फोर ये चारों एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो वन और थ्री भी इक्वल हो गया इन ट्रायंगल BAC में। तो वन और थ्री इक्वल हुआ तो वन के सामने कौन सी साइड है, वन के सामने हमारा BC है और थ्री के सामने हमारा है BA, ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों? आप पहले थ्योरम पढ़े कि अगर अपोजिट साइड के सामने, अपोजिट एंगल के सामने कोई साइड्स है तो भी क्या होता है, इक्वल होता है। आइसोसेलस एंगल की प्रॉपर्टी पर पढ़ा है आपने, तो वही चीज हमने कर लिया। BC इज इक्वल टू AB और BC इज इक्वल टू ये BC इज इक्वल टू AD हो गया। अभी हमने आपको स्टार्ट कर दिया था ये और ये हमने प्रूव कर दिया कि इसके इक्वल है। तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम इसी का अपोजिट है, आपको ट्राई करना है। मैं क्वेश्चन नंबर ए कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप चलिए क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए देखिए जरा क्या है। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ए बी सी डी क्या हमारा रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का जो देख रहा है आप उसका फर्स्ट क्वेश्चन को बना रहा है, इजी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। क्या AC bisect angle A, जो AC है ये angle A को bisect कर रहा है और किसको bisect कर रहा है, C को भी bisect कर रहा है, समझ में आया। राइट एंगल है, सॉरी राइट एंगल है, इसका ईच एंगल 90 डिग्री होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, मतलब bisect कर 45 45 45 45, और ये चारों एंगल क्या हो जाएगा आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्लियर है। अगर इसको मान लेते हो इसको तो इसको 3 तो ये फोर हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, सोड है गिवन लिंक लिखो, गिवन लिंक लिख लेना, ठीक है। देखिए चलो ए बी सी इज अ रेक्टेंगल, ए बी सी इज अ रेक्टेंगल, ए सी बाइसेक्ट, ए सी बाइसेक्ट, ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी, देयरफॉर देयरफॉर एंगल 90 डिग्री और ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल हो गया, तो
ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इक्वल है, इसके इक्वल है, इस चारों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट एबीसीडी का स्क्वायर, और सेकेंड जो हमें प्रूव करना है क्या है, डायगोनल बीडी, बीडी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल बी, और एंगल डी को भी ये क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। क्लियर है? तो ये हमें प्रूव करना है। इसके बाद हम देखते हैं प्रूफ कैसे करेंगे, जरा प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें स्क्वायर प्रूफ करना है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो जरा आप ट्राई करते हो, बहुत इजी है प्रूफ। हम यहां पर फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन के इन साइडर हम बीडी को मिला देते हैं, क्लियर है? ए बी सी एंड ट्रायंगल, अगर हम ए बी लिख लेंगे तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये कॉमन, ये नहीं दिया हुआ है। देखो जरा थोड़ा सा चेंज करेंगे हम इसमें, ए डी सी कर लो, आप क्या कर लो, ए डी सी कर लो, ए डी सी। देखो जरा ए बी सी एंड ए डी सी, क्लियर हुआ क्या, ए बी सी एंड ए डी सी। देखो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू हो जाएगा, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू हो जाएगा, ए बी सी में एंगल वन और ए डी सी में एंगल टू हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो ए सी और ए सी क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल हो जाएगा, ए सी और ए सी क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू ए सी, ए सी इज अ कॉमन, ठीक है। और क्या हो जाएगा हमारा, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, ये गिवन है, गिवन थिंग्स लेके चलते हैं, ये सिद्धांत है, गिवन थिंग्स को क्या था पहले प्रिफर करना है, अभी कोई दिक्कत ना है प्रूफ करने में। ये हो जाएगा हमारा एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, ये भी गिवन है। देखिए जरा हमारा एंगल ए बी सी, तो ब्रोकन ट्रायंगल हो जाएगा ए बी सी, कौन सी कंडीशन थी, बाई ए एस ए सी, क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको। अच्छा अब देखो जब ए एस ए सी हो जाएगा तो जो रिमेनिंग पार्ट इसका ए बी सी, इसमें ए ट्रायंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा बताएगा कोई, क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड बी सी इज इक्वल टू डी सी, ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड बी सी इज इक्वल टू, बी सी इज इक्वल टू डी सी, बी सी इज इक्वल टू डी सी, कैसे होगा, कैसे होगा ये, ए बी इज इक्वल टू बी डी, ए बी इज इक्वल टू बी डी, ए बी इज इक्वल टू बी डी, क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड बी सी इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू बी सी, बाय सिंपलिसिटी, बाय सिंपलिसिटी हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन वन कर लो, इसको आप क्या कर लेंगे, इक्वेशन वन कर लेंगे। और आपको पता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है, वी नो दैट, या ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड बी सी इज इक्वल टू ए बी, ये आपको पता है। तो फ्रॉम वन एंड टू से, फ्रॉम वन एंड टू से क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए बी,
कौन सा हिस्सा देखते हो, इसका मतलब एबीसीडी क्या हो जाता है, इज अ स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब है इज अ स्क्वायर, ठीक है। लिख लो क्या। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट हमें क्या प्रूफ करना है कि डायगोनल, डायगोनल क्या है, बाइसेक्ट करता है बी को बी और एंगल डी को बी। तो अभी हम लेंगे कौन सा ट्रायंगल, ए बी डी और दूसरा ट्रायंगल सी बी डी। ए बी डी और सी बी डी, ए बी डी और सी बी डी, ठीक है। सेकेंड पार्ट प्रूफ करना है, जो हमें चाहिए क्या चाहिए, एंगल 5। इसको अगर इसको हम नेमिंग कर देते हैं एंगल 5 और एंगल 6, नेमिंग कर दें एंगल 5 और एंगल 6, ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ठीक है। इसको सिमिलर करते हैं, इसको कोई भी साइड पर हो जाएगा, एंगल 5 इसको एंगल 6 हो जाएगा और एंगल 7 इसको क्या हो जाएगा, एंगल 8 हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप इसको ट्राई करना, 10 भी 11, टोटल 4 क्वेश्चन अभी बचे हैं। इसके बाद जो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम करेंगे पहले इस एक्सरसाइज को फिनिश होने के बाद। अभी 4 क्वेश्चन और है, आप थोड़ा ट्राई कर रहे, फिनिश हो जाएगा जल्दी। तो फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है मिड पॉइंट थ्योरम, इसको स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, आप ट्राई करते रहे, थैंक यू।